अभी कुछ दिन पहले ये मीडिया के द्वारा जानकारी मिली है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत होने वाला है और केंद्र सरकार को यकीन है कि वो बिल पास हो जाएगा और उसके बाद राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा में भी पास हो जाएगा। इसके बारे में हम अपनी राय जनता के विचार के लिए जाहिर करना चाहते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में जो खास बात है जो मैं मानता हूं वो ये है कि मुस्लिम लोगों को जो बांग्लादेश से आए हैं उन लोगों को नागरिकता आसाम में नहीं मिलेगी। इस तरह की बात की जा रही है। बाकी सभी लोगों को नागरिकता मिलेगी, ऐसा इस कानून में प्रावधान रखा गया है। केवल मुस्लिम लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी, यह बात उसमें लिखी गई है। यदि यह कानून पास हो गया तो संविधान में जो धर्म के आधार पर भेदभाव करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, संविधान इस बात को मान्यता नहीं देती है, इसलिए ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। और यदि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा तो इसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो फिर केंद्र सरकार ऐसी कोशिश क्यों कर रही है, ये एक विचारणीय बात है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मूलतः ब्राह्मण नियंत्रित सरकार है और भी आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नियंत्रित सरकार है, जिसका चेहरा एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाकर पेश किया गया है और वो ओबीसी जिसने प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबीसी के विरोध में कई सारे फैसले लिए, जिसमें ओबीसी की जाति आधारित गिनती को रोका गया, जिसके द्वारा ओबीसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप से भी वंचित किया गया, 314 बच्चे आईएएस आईपीएस आईआरएस पास किए थे उनको पोस्टिंग बहाल नहीं किया गया और बजट में एक नया पैसा नहीं दिया गया और जो मंडल कमीशन लागू किया गया था उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़े पैमाने पर स्लो कर दिया गया और आउटसोर्सिंग के द्वारा जीरो कर दिया गया। ये सारे उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी के विरोध में काम कर रहा है। एससी एसटी के जो लोग हैं उन लोगों का भी वजीफा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप भी रद्द कर दी गई है।
ये सारे उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि ये ब्राह्मण नियंत्रित सरकार है, क्योंकि इससे केवल ब्राह्मणों को फायदा होता है, बाकी सभी लोगों को नुकसान होता है। और अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए तो मूलतः ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है ये ऊपर ऊपर दिखाई देता है कि ये मुस्लिम विरोधी है, मगर ये मूलतः मुस्लिम विरोधी नहीं है। अगर हम एनआरसी की बात ले ले तो अभी एनआरसी की जो लास्ट जो लिस्ट बनाई गई 19 लाख लोगों को नागरिकता से वंचित किया गया है, जिसमें 12 लाख लोग एससी एसटी ओबीसी के हैं और केवल 7 लाख लोग ही मुसलमान हैं। मगर एससी एसटी ओबीसी के लोग इस पर सारे देश भर में कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इसके बारे में जानकारी नहीं है, बल्कि मीडिया के द्वारा इस बात को छुपाया गया है। और यदि उन लोगों को नागरिकता बहाल की भी जाती है तो वो हिंदू के नाम पर बहाल की जाती है। तो हमारा ऐसा मानना है कि हिंदू का मतलब है ब्राह्मणों के गुलाम। जैसे पर्शियन भाषा में हिंदू शब्द का एक अर्थ गुलाम भी होता है, और इस हिसाब से इस बात को मानना पड़ेगा कि हिंदू के नाम पर इन लोगों को गुलाम बना के रखा जाएगा। ये एक बदलाव है या ये एक कंडीशन है, शर्त है, जो एससी एसटी ओबीसी लोगों के बहुत ज्यादा खिलाफ है, और इसलिए हम इस बात के बहुत ज्यादा विरोधी हैं और इसका देश भर में विरोध किया जाएगा, वैचारिक रूप से किया जाएगा, कार्यक्रम लेकर किया जाएगा, आंदोलन लेकर किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात इस बात के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। दूसरी एक और बात है, इसकी प्रतिक्रिया मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। जितने ज्यादा मुस्लिम इसकी प्रतिक्रिया करेंगे उसका ज्यादा फायदा संघ परिवार के लोगों को होगा, मगर मुस्लिम लोग इसकी ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हैं और ये एक मकसद है कि मुसलमान इसकी ज्यादा प्रतिक्रिया करे ताकि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को भारत में उनकी गुलामी को और ज्यादा दृढ़ किया जा सके। यदि 100% मुसलमान इकट्ठा हो गए तो ये 15% ही होंगे, मगर एससी एसटी ओबीसी के लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो इनकी संख्या होती है 74.5%। अगर ये इकट्ठा हो जाते हैं तो ब्राह्मणों की ईंट से ईंट बच जाएगी। इसलिए ये एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, कुनबी मराठा के लोगों को या ब्राह्मण अगर छोड़ दिए जाए तो बाकी लोगों को दबा के रखने की षड्यंत्र का मामला है। इस बात को भी जानना, समझना इस माध्यम से बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सही तरीके से जानना जरूरी है। इसके लिए हम लोग आने वाले समय में कोशिश करेंगे, आंदोलन की कोशिश करेंगे, जागरण की कोशिश करेंगे। पहले तो जागरण की कोशिश करेंगे कि लोगों को इसके बारे में सही सही जानकारी उपलब्ध हो सके, क्योंकि लोकसंख्या जो है ये एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी होगी या राज्यों में गवर्नमेंट किसकी होगी इसका निर्धारण करने वाला तत्व है।
इसलिए एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ये जो हिंदू बनाने का अभियान है, ये एडल्ट फ्रेंचाइज आने के बाद, ये एडल्ट फ्रेंचाइज की सोच इंग्लैंड में डेवलप होने के बाद से ही ब्राह्मणों ने हिंदू बनाने का अभियान शुरू किया 1922 के पहले तक। 1922 के पहले तक ब्राह्मण लोग इन लोगों को हिंदू बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि एक वाकया ये बताया जा सकता है कि 1935 को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की, तो उस समय ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी, अच्छा हुआ गंदगी चली गई। जो लोग ऐसा कहते थे उन्हीं लोगों ने आजाद भारत में सत्ता पर कब्जा होने के बाद में जाति आधारित गिनती का कॉलम ही रद्द कर दिया और हिंदू का कॉलम बनाए रखा, जो उनके हक में उनके फायदे में था। मगर मुस्लिम लोग जो बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं, वो प्रतिक्रिया से उनको ज्यादा फायदा होता है। वो प्रतिक्रिया करते हैं ये जानकारी ब्राह्मणों को होने की वजह से ही ये कानून खास तौर पर बनाया जा रहा है या ये अमेंडमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं मुस्लिम लोगों को ये अनुरोध करता हूं कि वो प्रतिक्रिया करने के बजाय जिन एससी एसटी ओबीसी का इस्तेमाल मुसलमानों के विरोध में किया जाता है उनको गुलाम बनाने के लिए, अगर मुसलमान एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ब्राह्मणों की गुलामी से आजादी हासिल करवाने के लिए मदद करते हैं, तो ये एससी एसटी ओबीसी को मदद कम होगी और मुसलमानों को मदद ज्यादा होगी, क्योंकि यही लोग एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाकर मुसलमानों के विरोध में फसाद में इस्तेमाल करते हैं, मॉब लिंचिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर प्रमाणित की जा सकती है, ये इतनी सही और सच्ची बात है। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से हम मुस्लिम्स लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 2-3 हजार साल के मजलूम हैं और मुसलमान 15 अगस्त 47 से ब्राह्मणों ने गुलाम बनाना मजलूम बनाना शुरू किया। तो आज आजाद भारत में मुसलमान नए नए मजलूम लोग हैं, तो हम पुराने मजलूम हैं और मुसलमान नए नए मजलूम हैं, तो ये दोनों मजलूमों को आजाद भारत में इत्तेहाद कायम करना चाहिए, ये इत्तेहाद समस्या का समाधान हो सकता है। मेरे मन में इसके बारे में भी बहुत बड़ी आशंका है कि हम लोगों के द्वारा जो ईवीएम के विरोध में जो बहुत बड़े पैमाने पर जागरण अभियान शुरू कर दिया गया है, इस जागरण पर से लोगों का ध्यान हटाने के मकसद से भी ये बात लाई जा सकती है। गवर्नमेंट के पास जो सीक्रेट एजेंसियों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है, ईवीएम के विरोध में देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष फैल रहा है। इस असंतोष की जानकारी विदेशों में भी फैल रही है। इस वजह से विदेशी लोग इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं कर रहे हैं, बल्कि और किया हुआ इन्वेस्टमेंट वापस लेके जा रहे हैं। उनको ये आशंका है कि अगर इसके विरोध में देश में आंदोलन शुरू हुआ तो हमारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। इस वजह से ये जो मंदी आई हुई है अर्थव्यवस्था में, इसके मूल कारण में ईवीएम मशीन है। भारत सरकार इससे बहुत ज्यादा चिंतित है। हमने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू की है, उसकी वजह से ये संकट कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ रहा है। भारत सरकार का संकट और ज्यादा बढ़ रहा है, ये जागरण बढ़ रहा है। और मैं हैरान हूं इस बात से कि हम लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का
साथ सहयोग मिल रहा है। जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोगों ने ईवीएम भंडारफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू की हुई है, आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो ये जो मेरे मन में आशंका है कि केंद्र सरकार ईवीएम से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर सकती है, तो मेरा यकीन है इस दिशा में वो कुछ कर रहे हैं। इसलिए ईवीएम का जो मुद्दा है, ये मुद्दा हमारा पहले नंबर का मुद्दा आगे भी बना रहेगा और इसके लिए राष्ट्रव्यापी बड़ा आंदोलन हम लोग जल्दी ही घोषित करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और ईवीएम को खत्म करने के बाद ही आंदोलन रुकेगा। आज के मौके पर मैं ये खास तौर पर घोषित करना चाहता हूँ, अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।